हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हाय, मैं हूँ हिमद जोशी और मैं हूँ एकता पंची और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस वाली बातचीत। बिग बॉस वाली बातचीत वीकेंड का वार हम आपको बताने वाले हैं कि वीकेंड के वार में जो है वो क्या क्या हुआ सैटरडे संडे में। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे जो है निकी ने परफॉर्मेंस दिया है अपना, उसका जो कॉन्टिन्यू परफॉर्मेंस जो हमें दिखाया गया उसमें जो निकी ने किया है जानदार शानदार फाड़ू परफॉर्मेंस उन्होंने अपना उस टास्क में दिया और उन्होंने मेरा तो पूरी तरीके से दिल जीत लिया है। बिल्कुल। और जब निकी पवित्रा को जेसीबी से उठाने में कामयाब हो गई और अभिनव की जगह भी सारा ने ले ली, असल टास्क तो तभी से शुरू हुआ था। और निकी ने सारा और सहबाज को जो मात दिया उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो इम्यूनिटी डिजर्व करती थी। बिल्कुल, बीबी 14 की पहली कंटेस्टेंट बन चुकी हमारी निकी तंबोली, मतलब वो टू बी कंफर्म से अब कंफर्म सदस्य हो चुकी है, जबकि बाकी के जो सदस्य हैं वो अभी भी टू बी कंफर्म की कैटेगरी में ही है। जिसने ये एपिसोड नहीं देखा वो सोच रहे होंगे कि निकी और पवित्रा दोनों ने ही टास्क जीता तो सिर्फ निकी ही क्यों कंफर्म सदस्य के रूप में हमें दिखी। तो आपको बता दें कि ये डिसीजन हमारे सीनियर्स का था और सीनियर्स ने पास्ट की सारी परफॉर्मेंस को देखते हुए अपना ये डिसीजन दिया। और अब बात करेंगे कि सल्लू भाई के आने के बाद क्या हुआ, यानी कि वीकेंड के बाद में जो है वो क्या हुआ। एक्चुअली कल और परसों का जो शो था वो ज्यादा कुछ खास तो रहा नहीं, मगर क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने शेल के अंदर हैं, एक शैडो में सब अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं और एक शैडो में ही सब खेल रहे हैं। जब तक वो लोग खुलेंगे नहीं तब तक कुछ घमासान होगा नहीं, और घमासान होगा नहीं तो हमारे सल्लू भाई उनकी वाट लगा नहीं पाएंगे, और जब तक वीकेंड के बार में वाट ना लगे शो में मजा ही आता है। वैसे इस सीजन में पिछले सीजन की तरह एक सिमिलैरिटी भी है और वो है हमारे गलत फैमिली के गुब्बारे। इसमें मजा आ ही रहा था कि वही रुबीना मैडम ने अपना एक लॉजिक इसके बीच में घुसा दिया और पूरे रास्ता कचरा कर दिया। एक्चुअली बात यह है कि रुबीना को जब पवित्रा का गुब्बारा फोड़ना था, एक्चुअली उन्होंने फोड़ दिया था, उसके बाद जब उनसे उस चीज की वजह मांगी गई तो उन्होंने उस सीन को इतना रबड़ की तरह खींचा कि ऑडियंस पूरी तरह बोर हो चुकी थी और रुबीना बहन बस करना बहन बस करना अभी कितना। रुबीना ने जिस तरह नाटक और सीरियल्स में काम किया है उसको लेके काफी जो लोग हैं उनके फैंस हैं ना, और उन्हें कब पसंद नहीं करते हैं, पर्सनली मैं भी पसंद करती हूँ, बट अभी जो बिग बॉस में जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे उनको क्या बोलना है और वो पूरा जो अपना लॉजिक बनाती है उसकी खिचड़ी कर देती है। इसके अलावा कल बिग बॉस हाउस में दस्तक दी छोटी सरदारी ने, उन्होंने सभी घर वालों के साथ एक छोटा सा टास्क भी खेला और साथ ही साथ सलमान भाई ने सबको एक नसीहत भी दी, सबको बताया कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, वीकेंड के बाद में सल्लू भाई आते ही हमारे कंटेस्टेंट्स को समझाने के लिए कि उन्होंने पिछले हफ्ते में क्या गलत किया है और क्या सही और उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं पिछला, मतलब जो लास्ट हुआ है दिन, उसके सबसे लास्ट टास्क के बारे में। तो सबसे लास्ट जो टास्क था उसमें सभी सदस्यों को कहा गया था कि वो अपनी कैटेगरीज वाइज खड़े होंगे, लाइक कौन बिलो एवरेज है, कौन एवरेज है, कौन गुड है, कौन पुअर है, इस हिसाब से। जिस भाईचारे और जिस प्रेम मोहब्बत के साथ ये टास्क खेला गया वो बीबी के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। मतलब कि भाई तेरे को ये चाहिए तो तू ले ले, मेरे को ये चाहिए तो मैं ले ले, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल बहुत ही साझेदारी के साथ जो है ये टास्क कंप्लीट हुआ। और जब ये टास्क कंप्लीट हुआ उसके बाद सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला घर के कंटेस्टेंट्स को ये समझाते हुए नजर आए कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखो, ये गेम की पॉइंट ऑफ व्यू का है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाओगे तो बाहर की जनता तुम्हारे बारे में देखे क्या। यही बात सलमान खान ने भी बाकी कंटेस्टेंट्स को बोली 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 से मुझे याद आई निकी तंबोली। निकी तंबोली जो कि टू बी कंफर्म से कंफर्म सदस्य बन चुकी है और उसके पास आ गई है सारी सीनियर्स वाली ताकत। तो अब देखना ये है कि जो निकी तंबोली वाट लगाकर पहले से रखती थी वो अब क्या घमासान करने वाली है, वो किस किस का क्या क्या लेने वाली है। फिलहाल सलमान खान ने जो बात, क्योंकि एजाज, जैस्मिन बसीन और बाकी सारे सदस्यों को जो समझाई है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे घर के कंटेस्टेंट्स हैं वो ट्रैक पकड़ेंगे अपना, जिस ट्रैक से वो भटक रहे थे।
सलमान खान कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है वो पूरा किया कि उनको एक दिशा दे दिया कि भाई समझ जाओ, अभी जा वक्त है अभी भी वक्त है, खुल जाओ और दर्शकों को दिखाओ जो आप दिखाने के लिए यहाँ आए हो। सलमान खान ने ये जितनी सारी बातें कंटेस्टेंट को समझाई हैं उसके बाद बबीता तो तय है, लेकिन इसके अलावा जो होने वाला है यानी कि पवित्रा जिनको कहीं ना कहीं जिन्होंने ये टास्क परफॉर्म किया था और लोगों से बेहतर, मतलब कि निकी ने भी अच्छा किया था और पवित्रा ने भी अच्छा किया था, बट निकी को अभी मिला है कन्फर्म का थप्पा और पवित्रा अभी भी टू बी कन्फर्म में है, तो कहीं ना कहीं वो जेलिसी वाली फीलिंग और उनके अंदर क्या क्या हो रहा होगा वो तो वही जानती है, लेकिन अब पवित्रा बोलेंगी और वो भी घर वालों पर बम फोड़ेंगे और बम फूटना तय है क्योंकि पवित्रा जो है चुप रहने वालों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और किस पर कौन कितना बम फोड़ता है ये हम आपको बताते रहेंगे, बस आपको कहीं जाना नहीं और हमारे साथ जुड़े रहना है बिल्कुल चाय और पांडे जी की तरह। तो ये था हमारा वीकेंड के वार का सिक्स रिव्यू और अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब